गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा पाठ जप या व्रत कथा तीर्थ ये सब अध्यात्म नहीं है, ये मात्र अध्यात्म के साधन हैं। जो आपको उस मंजिल तक लेकर के जाते हैं, फिर तो एक बात तय होकर के आती है कि जो जप करता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, तीर्थों को जाता है, माला करता है, व्रत करता है, फिर तो वो उस मंजिल पर पहुंच जाएगा। नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य जप करना है, किसी तीर्थ पर जाना है, जब तक हमारा उद्देश्य अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है जिसको हम पाना चाहते हैं, आप कितने ही प्रयत्न, कितने ही पैसा, कितनी दौलत खर्च कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अभ्यत एक आती है क्या भगवान भोग का विरोधी है? क्या भगवान प्रत्यक्षवाद का विरोधी है? क्या भगवान लोभ का विरोधी है? भगवान किसी चीज का ना विरोध करता है और विरोध में किसी का सहयोग भी नहीं करता है। उसका अपना बनाया गया एक सिस्टम है, सिद्धांत है। वो किसी का विरोध और किसी का सहयोग नहीं करता है, परंतु उसके द्वारा बनाया गया सिद्धांत जो उस पर चलता है वो सहयोग करता है। ध्यान मुद्रा जो बात समझाई है उसके दायरे में आ जाएं। ध्यान मुद्रा अंतस की गहराइयों में जाएं, ध्यान मुद्रा अंतःकरण कुआ में से बाल्टी में रस्सी बांध करके उसका पानी निकाल लिया जाता है। ध्यान मुद्रा श्वास को रस्सी बना करके अपनी चेतना को वहां तक ले जाएं। पात्रता के अनुसार
उस शक्ति को भर करके ऊपर लाएं। शक्ति जो पाताल में है, जैसे धरती के भूगर्भ के अंदर जल होता है, दूसरी धातुएं होती हैं, धरती का जितना वैभव है वो पाताल में है। गहराई, अंतःकरण की गहराई, श्वास आधार, क्रिया होती दिखाई दे आपको, अनुभव हो, खेल ना करें, खेल ना करें, सत्य ईश्वर द्वारा निर्मित, ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त, दूसरे शब्दों में मुझे जो कुछ मिला है, मैं शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, आत्मा अर्थात आत्मा को जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर प्रदत्त, अर्थात आपके जीवन में ईश्वर का सहयोग, ईश्वर का सहयोग, उसके सहयोग के बगैर ये एक सांस नहीं ले सकता। जो बोला जा रहा है उसे महसूस करिए। ईश्वर के बगैर एक सांस भी हम नहीं ले सकते। अगर ये आपको पता लग रहा है कि ईश्वर के बगैर हम सांस नहीं ले सकते, इसी को अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक भावना का विकास, यही परम पुरुषार्थ है। यही परम पुरुषार्थ है।
जीवन का विकास, जीवन की यात्रा, जीव का विकास, जीवन की यात्रा, अंतःकरण का परिष्कार, चरित्र निर्माण, विकास करिए अपने जीवन का, जीव का। बगैर उद्देश्य के ईश्वर ने कुछ भी नहीं दिया है, सभी कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण। उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावना, परिवर्तन, सामान्य गहरी श्वास, ध्यान से नाभि केंद्र जागृत,
ध्यान की, श्वास की सम्मिलित क्रिया को अपने नाभि स्थान पर अनुभव करें, परिवर्तन को अनुभव करें। पूर्ण एकाग्र बुद्धि की शक्ति को इकट्ठी कर दें, पूर्ण एकाग्र सारी गर्मी को नाभि स्थान पर लाएं। सुने ना करें, जागृत केंद्र की शक्ति को नाभि केंद्र पर इकट्ठी करें। तेज को अनुभव करें। गुरु के हाथों अपने आप को सौंप दें। भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाएं।
जीव का और जीवन का, जीव की गति ही जीवन है। परमात्मा का चैतन्य स्वरूप जीव जीव की गति जीवन, जीव की गति ही जीवन। ईश्वर को समर्पण फिर ये मानव देह चलेगी, समर्पण दिव्य कार्य प्रणाली सेवा भाव में सुयोग, सेवा भाव का सुयोग अपने अंदर, कर्म में अमृत रस का पैपान सेवा भाव से, सेवा भाव से अमृत तत्व का पैपान अमरता, देह चलेगी, निर्देश भगवान का, साथ भगवान का, जीवन की गति जोड़िए, डोर को जोड़िए, श्वास के माध्यम से डोर को, ईश्वर की डोर को जोड़िए, ये उसी की कृपा है जो सांस में बैठा हुआ है।
ईश्वर कोई और नहीं, मेरा जीवन का निर्माण करने वाला ईश्वर, मेरे जीवन का निर्माण करने वाला ईश्वर, सुयोग, ईश्वर के साथ सुयोग, ध्यान की भावना, निर्माण की कला जागृत, राग द्वेष से परे की इच्छा, राग और द्वेष से परे की इच्छा, जीवन का परिष्कार, जीव की गति, जीव की गति ईश्वर के द्वारा, अस्थो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंतःकरण से प्रार्थना निकले, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय।
ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। अमृतं गमय अमृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। भाव से प्रार्थना करिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। पुनः एक बार आपको फिर कहा जा रहा है, वैसे तो योगेश बार बार डालता रहता है, जैसे हम सामाजिक उन पर्वों को निभाते हैं जो हमारे संप्रदाय ने स्वीकार कर रखे हैं, गुरु के द्वारा भी प्रदत्त तीन उत्सव हमारे लिए हैं। उनमें से एक गुरु पूर्णिमा भी है।